हाय बेटा, हाय एवरीवन। चलो, लास्ट में हम लोगों ने कैल्सिनेशन रिडक्शन, फिर तीनों और जो मिल रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने देख रहे थे। अब हम लोग क्या करते हैं, पर्सनली जो और है उसके लिए एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट जो है वो बेटा बाकी रखा हुआ है, एलिंगहाम डायाग्राम। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जब स्टार्ट होगा तब मैं स्टार्ट करूँगा, या तो फिर मैं कुछ करूँगा प्लानिंग की, कुछ बीच में ऐसा कुछ टाइम मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत थोड़ा लेंथी भी है और डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करने में, तो बहुत बड़ा वीडियो भी बना बन सकता है उसका। ठीक है, 1 आवर्स से ज़्यादा भी बन सकता है, इसलिए मैंने अभी बाकी रखा है। फिर लास्ट में देखेंगे हम लोग, ऐसा होगा तो मैं ट्राई करूँगा और वो वीडियो जो है वो बना के आप लोगों को एलिंगहाम डायग्राम के बारे में जो बाकी है वो कुछ ट्राई करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, या तो फिर जैसे ही ओपन हो जाएगा जल्द से तो फिर क्लास में ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, या तो फिर तो मैं ऑनलाइन कर दूंगा, आप लोगों को अपलोड कर दूंगा वीडियो। ओके, चलो उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और एफी, उसके लिए एक्सट्रैक्शन देखना है। ठीक है, जिसमें है ना एफी, Zn, Nc, उसके लिए आप लोगों ने, और एल्यूमिनियम, उसमें एल्यूमिनियम और एफी जो है वो स्टेट बोर्ड वालों ने देख लिया होगा 10th में। चलो, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम मेक्स अप 8% ऑफ अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें कितने परसेंटेज में एल्यूमिनियम मिलता है बेटा, कितने परसेंटेज में यहाँ पे एल्यूमिनियम मिलता है, 8% में। ओके, थर्ड मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट है, और जो भी एलिमेंट मिल रहे हैं उसमें थर्ड मोस्ट मोस्ट एविडेंट एलिमेंट जो है वो कौन सा है बेटा, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की ओर की बात की जाए तो एल्यूमिनियम के लिए देखो, एल्यूमिनियम की ओर मिल रही है हम लोगों को बॉक्साइट मिलती है, मेन तो मेन बॉक्साइट है। ठीक है, फिर गिप्साइट मिलती है, फिर क्रायोलाइट, फिर एल्यूमिनिया एंड डाइस्पोर। ओके, तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट है तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, Al2O3 × 2H2O। गिप्साइट के लिए क्या होती है फॉर्मूला बेटा, Al2O3 × 3H2O। क्रायोलाइट के लिए फॉर्मूला होती है Na3AlF6। एल्यूमिनिया के लिए Al2O3, डाइस्पोर के लिए Al2O3 × 1H2O। ओके, तो उसके हिसाब से ये इतनी एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम की ओर है, उसमें मेन ओर कौन सी है उसकी, बॉक्साइट। ओके, बॉक्साइट में से ही हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम मिल जाता है, यानी एल्यूमिनियम की मेन ओर जो है उसकी फॉर्मूला क्या है, अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, दैट ओ एल्यूमिनियम की मेन ओर कौन सी है बेटा, बॉक्साइट, Al2O3 × 2H2O। सो दैट्स फॉर्मूला इज Al2O3 × 2H2O, देन नेम इज बॉक्साइट। ओके, ये अपने दिमाग में रखना है आपको। बॉक्साइट की बात कर रहे थे, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम की मेन ओर है। ठीक है, तो बॉक्साइट में है ना, बॉक्साइट की फॉर्मूला क्या है बेटा, Al2O3 × 2H2O। चलो, बॉक्साइट में दो पार्ट्स है, रेड बॉक्साइट और वाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट में क्या होता है, एफी की इम्प्यूरिटीज़ होती है, वाइट बॉक्साइट होता है तो उसमें क्या होता है, SiO2 की इम्प्यूरिटीज़ होती है। ठीक है, मतलब बॉक्साइट में से हम लोगों को दो बॉक्साइट मिलते हैं दो पार्ट में, रेड बॉक्साइट में एंड वाइट बॉक्साइट में। रेड बॉक्साइट में क्या होता है, एफी की इम्प्यूरिटीज़ होती है, वाइट बॉक्साइट है तो उसमें SiO2 की इम्प्यूरिटीज़ होती है। ठीक है, रेड बॉक्साइट में से हम लोगों को अगर एल्यूमिनियम चाहिए तो उसके लिए क्या करना होता है, प्रोसेस ऑफ लीचिंग की प्रोसेस करनी है, जिसमें दो प्रोसेस यूज होते हैं, बेयर्स प्रोसेस एंड वॉल्स प्रोसेस। ओके, बट वाइट बॉक्साइट है तो उसमें भी प्रोसेस ऑफ लीचिंग होती है, बट उसमें क्या यूज़ होता है, सरफेक्स प्रोसेस। ओके, तो रेड बॉक्साइट के लिए दो प्रोसेस यूज होते हैं, बेयर्स प्रोसेस एंड वॉल्स प्रोसेस, एंड वाइट बॉक्साइट के लिए बेटा सरफेक्स प्रोसेस जो है उसको यूज़ किया जाता है, और उसके हिसाब से बॉक्साइट में से हम लोग एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम फाइंड कर सकते हैं। ओके, और एक्सट्रैक्शन एल्यूमिनियम का हो सकता है बेटा। ओके, हम लोग फर्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे रेड बॉक्साइट के लिए। ओके, तो रेड बॉक्साइट में क्या होता है, रेड बॉक्साइट में देखो लीचिंग एजेंट सॉल्वेंट उसमें यूज़ किया जाता है बेटा, कोस्टिक सोडा, यानी वो जो है वो लीचिंग एजेंट है सॉल्वेंट, उसका यूज़ किया जाता है। इम्प्यूरिटी उसमें एफी की होती है, इसलिए बेयर प्रोसेस और वॉल प्रोसेस जो है, वॉल्स की प्रोसेस वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लीचिंग एजेंट कौन यूज़ होता है, कोस्टिक सोडा, एंड इम्प्यूरिटी किसकी होती है, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3।
ओके, उसमें थ्री स्टेप में ये पूरी बेयर प्रोसेस जो है वो थ्री स्टेप में होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन वो हम लोग टुमारो देखेंगे, क्योंकि आज यहाँ पे मुझे थोड़ा कुछ डेट हो गया है फैमिली मेम्बर का, उसके हिसाब से आज मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ बेटा। लाइक डेफिनेटली आई विल ट्राई इट, मैं टुमारो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोग मुझे टाइम पे होमवर्क नहीं सेंड कर रहे, होमवर्क करिए बेटा, और मुझे टाइम टू टाइम सेंड करते रहिए, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया है तो मुझे कॉमेंट करके बताइए अपने चैनल पर, ठीक है। तो क्या है, हम लोग उसके आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर सकें।